हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के डी एम ऑनलाइन क्लासेज में। और दोस्तों एसएससी जीडी 2021 ऑफिशियल पेपर 63 जो सेट है दोस्तों हिंदी वर्जन में, उन सभी सेटों की दोस्तों हम इसमें रीजनिंग कवर करेंगे। और दोस्तों मैं भी एक एज ए एसएससी जीडी का स्टूडेंट हूँ, तो वो क्वेश्चन कवर करते हैं हम रीजनिंग में, जो कितने क्वेश्चन अटैम्प कर पाते हैं और कम टाइम लेते हुए दोस्तों क्वेश्चन हम अटैम्प कितने कर पाते हैं। एज ए मैं भी एसएससी जीडी के यानी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो दोस्तों उन्हीं क्वेश्चनों को अटेंड करते हैं। एज ए मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूँ दोस्तों प्रेजेंट में, लेकिन मुझे एसएससी में थोड़ी बढ़िया लगती है जॉब, तो उसी के लिए हम टोटल 63 सेटों के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों उनको रीजनिंग के पहले हम रीजनिंग के कवर करेंगे, उसके बाद में दोस्तों हिंदी मतलब एक एक सब्जेक्ट को कवर करते चलेंगे। तो पहले हम रीजनिंग को कवर करेंगे, आगे देखते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा देरी नहीं करते हम शुरू करते हैं। और देखिएगा दोस्तों ये जो सेट है, देखिएगा 1/12/2021 का शाम को 4 से 5:30, यानी दोस्तों ये जो सेट है ये पहले वाला सेट है, लेकिन इसमें दोस्तों टाइम ये दे रखा है। अब देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन दे रहा है घन का है, और इसमें बताया गया इसी तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत फष्टों के फष्टों पर होगा, यानी विपरीत फलक आपको बताना है। तो देखिएगा दोस्तों इसमें देखिएगा बी और ई ऑप्शन है, यानी कि इसमें पहला ऑप्शन सही बताया, लेकिन बी और ई को देख लीजिए दोस्तों, बी और ई ये विपरीत नहीं हो सकती, क्योंकि ये और विपरीत हो रहा है दोस्तों, ए एफ हो रहा है, उसके बाद में बी सी हो रहा है, एंड दोस्तों ए ई हो रहा है, बी सी हो रहा है, और दोस्तों एफ एंड डी विपरीत हो रहा है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, तो इसमें पहला ऑप्शन ठीक होगा, यानी क्वेश्चन नंबर एक में पहला ऑप्शन ठीक होगा। आगे देखिएगा दोस्तों इसमें आपको नंबरिंग मनी मीनिंग के हिसाब से बैठाना है आपको। देखिए दोस्तों एन सब में आ रहा है, उसके बाद में ए, तो दोस्तों ये जो यू आ रहा है ये दोस्तों 5 पे बैठेगा। अब पीछे से हम बैठा रहे हैं तो 5 पे देखिएगा दोस्तों, एक सब पीछे 5-5 है, एक ऊपर ले में 2 है, तो इसको काट दीजिए। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों आगे से देखते हैं हम, ए देखिएगा दोस्तों ऊपर से 4 में है, उसके बाद में वी और यू 2 में है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों यू ऊपर भी है, 1 में भी है, एंड दोस्तों यू 4 में भी है। ऊपर देखिएगा दोस्तों जी टी जी है, तो उससे पहले टी दे रखा है, उससे पहले देखिए दोस्तों ये देखिएगा ऊपर ने यू दे रखा है, और यहाँ भी यू दे रखा है, ए वी वी और यू, तो इन दोनों में ने टी दे रखा है ने जी दे रखा है। तो दोस्तों इसके हिसाब से 1 बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 4 बैठा रखा है, लेकिन दोस्तों इसमें 1 होना चाहिए, लेकिन इसमें 4 बैठा रखा है, तो इसको मान लेते हैं 4 भी, लेकिन 4 नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये ऊपर यानी दोस्तों इसमें 2 एक एक दे दिया, ये ऐसे गलत हो गया, इसीलिए इसे 4 बैठाना पड़ेगा। आगे देखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा सी ए एम ई एल को लिख रखा है इन्होंने, यानी दोस्तों इसको थोड़ा ऊपर ले लें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सी ए एम ई और एल, इसको लिख रखा है दोस्तों ई, ई के बाद में सी, एम के बाद में एन, और ई के बाद में फिर जी, एंड फिर एन। तो आपको समझ खा रहा होगा दोस्तों, प्लस दो कर रखा है, यहाँ पे प्लस 1 कर रखा है, यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पे प्लस 2। अब सीधा सा बैठा दीजिए, डब्ल्यू के बाद में वो आता है वाई, तो वाई आ रहा है, एच के बाद में आता है दोस्तों प्लस 2 करेंगे, एच में 2 प्लस करेंगे 10 पे जे आता है, ए के बाद में आता है दोस्तों बी, फिर एल के बाद में प्लस 2 करेंगे तो दोस्तों एल 12 पे आता है, 14 नंबर पे एन आ जाएगा, और ई के बाद में दोस्तों 7, ई 5 पे आता है तो जी 7 पे, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये है वे नारी, किसको बताना है, महिलाएं माताएं और पुत्रियां। तो दोस्तों दुनिया की जितनी भी महिलाएं होंगी, यानी जितनी भी माताएं होंगी वो सभी, यानी दोस्तों ये बनेगा, दुनिया की जितनी भी माताएं होंगी वो सब महिलाएं होंगी, और जितनी भी महिलाएं होंगी वो सब पुत्री होंगी, यानी दोस्तों ये ठीक है, इसमें चौथा बनेगा। अब देखिए दोस्तों ये जो 5वां क्वेश्चन दे रखा है, इसमें देखिए ये एक वो दे रखा है कर्म, हमको इसमें बैठना है, तो पहले हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं, कितने होंगे, एक नंबरिंग कर लेते हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 है दोस्तों इसमें, तो 15 में 5-5 का पेयर बना सकते हैं हम दोस्तों, यानी कि 5 इधर आ जाएगा, फिर 1, 2, 3, 4,
है ना दोस्तों, ये पाँच वापस नंबरिंग करते हैं दोस्तों। ये एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए तीन चार पाँच, पाँच नहीं हो रहा है, फिर इसके बाद एक दो तीन चार पाँच और पाँच, नहीं लास्ट में डी आ रहा है। तो दोस्तों लास्ट में डी आ रहा है और डी के बाद में के आ रहा है, यानी बी के बाद में के आ रहा है। तो और लास्ट में डी आ रहा है और डी के बाद में के आ रहा है, उससे पहले आ रहा है दोस्तों आर। अब देखना पीछे से आर एक ही एक में चल रहा है, यानी आर आ रहा है पहले और न्या आएगा दोस्तों आर, और न्या आएगा दोस्तों वी, आर और वी। अब पीछे से आर और वी दोस्तों इसी में है और एक और ऑप्शन है ऊपर ले कट गया, न्या वी आएगा उसके बाद में तुरंत आर आ जाएगा। तो तुरंत आर देख के दोस्तों इसमें भी है, फिर और तुरंत आर आ जाएगा और वी के बाद में इन दोस्तों यहाँ पे आर आ रहा है और न्या के आ जाएगा वापस, तो वापस से के इसमें आ रहा है, तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब आगे देखिएगा दोस्तों 18 26 20 और यहाँ पे दे रखा है। तो दोस्तों हम सबसे पहले पीछे वाले से करते हैं। देखिए 16 ऐसे कैसे दे रखे। अब 16 में दोस्तों हम भाग प्लस 16/2 करते हैं, यानी 16 में यानी ये दोस्तों 24 हो गए, बनाने हमको कितने 23, माइनस एक कर देंगे दोस्तों 23 आ गया। इसी प्रकार से दोस्तों हम इसको भी देखते हैं 20 प्लस 20 प्लस 20/2 यानी कि 10 आ जाएंगे और 10 में से एक करेंगे तो दोस्तों 29 आ रहे हैं, ये हमारा ठीक है। लेकिन पहले वाले पैटर्न में भी समय फॉलो करना चाहिए। 18 में से दोस्तों 9 जोड़ेंगे 27 में एक माइनस करेंगे तो 26, यानी तीनों में हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों ए डी का पिता है। आगे देखिएगा ए है जो यानी दोस्तों ए पिता है किसका, ये डी का पिता है, सी डी का भाई है और सी जो भाई है सी, ये सी भाई है दोस्तों डी का, जी बी की माँ है, जी है जो दोस्तों बी की माँ है और सी का भाई है, कौन जी बी की माँ है, जी की बात कर रहा है दोस्तों वो बी की माँ है, और जो सी यानी कि दोस्तों जी बी की माँ है और सी बी का भाई है, यानी सी बी का भाई है, यानी कि दोस्तों यहाँ भी आ जाएगा और जी इनकी माता है, यानी कि इनकी माता ये जी हो गई। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि ए जी किस प्रकार संबंधी पति पत्नी हो गए। अब आगे देखिए दोस्तों 19 19 38 144 क्वेश्चन मार्क और 2280। तो देखिए दोस्तों इसमें लॉजिक चल रहा है कि पहले श्रृंखला देखिए दोस्तों छोटी छोटी डिग्री, बाद में एक बहुत बड़ा नंबर होगा, यानी कि तो मल्टीपल हो गया होगा या फिर दोस्तों वर्ग वर्ग कुछ हो गया होगा। अब हम सबसे पहले मल्टीपल का, क्योंकि मल्टीपल का वो लगाते हैं, तो 19 को एक से गुना करा तो दोस्तों 19 आ गई, ये मतलब दूसरी संख्या हमारे पास निकल के आ गई। अब दोस्तों उसी प्रकार से हम देखते हैं 19 को हम 2 से गुना करते हैं तो दोस्तों 38 भी आ गए, यानी कि ये तीसरी संख्या हम निकल के आ गए। उसी प्रकार से दोस्तों 38 को हम जब 3 से गुना करते हैं तो 8 3 24 8 2 3 3 9 और 2 11 यानी कि दोस्तों ये संख्या भी इससे बन रही है, यानी कि पहले में मल्टीपल 1, दूसरे में मल्टीपल 2, तीसरे में मल्टीपल 3, अब यहाँ पे मल्टीपल 4 होगा तो 14 6 56 और 456 दोस्तों ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें देखिएगा इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या बोल रहा है, ये मिस्टेक को देख रहा है, मिस्टेक को एक और दे रखा है और नकेड को एक और दे रखा है, तो इसमें से देखिए हमको साठना है। तो देखिएगा आई की जगह पे दोस्तों यहाँ पे कोड लिख रखा है आई का, आई इसमें से दोस्तों इन दोनों में से ये कोड बनेगा तो आई का कोड लिख रखा है 7 7 से हमारा आंसर शुरू होगा तो ये 8 है दोस्तों, ये नहीं हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों एन को लिख रखा है 8 8, इसमें 9 आ गए दोस्तों, ये नहीं होगा। उसके बाद में लिख रखा है दोस्तों टी को लिख रखा है यहाँ पे दोस्तों, ये देखिएगा दोस्तों टी को 1 2 यानी 5, टी को 5 यहाँ पे से आ गए तो दोस्तों ये ही हमारा टेपटेंडे आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों ये देखा सभी स्कूटर दो पहिया वाहन है, यानी कि दो सारे के सारे स्कूटर हैं दोस्तों वो दो पहिया वाहन हैं,
यानी दोस्तों ये स्कूटर बना दिया और ये दो पहिया वाहन भी बना दिया हमने, और सभी साइकिल दो पहिया वाहन और जितनी साइकिल है दोस्तों वो साइकिल ये साइकिल बना दी हमने, तो सभी स्कूटर साइकिल है तो दोस्तों स्कूटर साइकिल नहीं है, और सभी स्कूटर साइकिल है और सभी साइकिल स्कूटर है। तो अगर दोस्तों ये वाला सही मान दें तो ये गलत होगा, और अगर ये सही मान दें तो ये गलत होगा, तो इसमें लगेगा दोस्तों ना तो एक निष्कर्ष है ना ही दो निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, यानी आइदर ऑन का केस लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों केचवा और केचवा एक अरज्जुकी है से वैसे संबंधित, तो मछली दोस्तों एक रज्जुकी प्राणी के अंतर्गत आती है। आगे देखिए दोस्तों इम्पोर्ट और इसको लिख रखा है जी के, तो अमिल एक्सपेंड है एक्सपेंड, देखिए दोस्तों आई से जे सिंपल सा बताना है, आई से जी माइनस दो हो रहा है, फिर एम से के माइनस दो हो रहा है, पी से आर प्लस दो हो रहा है, ओ से क्यू प्लस एक हो रहा है, आर से पी प्लस माइनस दो हो रहा है, और टी से प्लस दो हो रहा है, तो ई से यानी दोस्तों लास्ट में माइनस हुआ था लास्ट वाले में, तो हम लास्ट वाले को देखते हैं पहले, ने डी में से माइनस दो करेंगे तो दोस्तों बी आ जाएगा, लास्ट में बी दो ऑप्शन में है। अब देखते हैं दोस्तों आर से फिर माइनस हुआ था, तो एन में से माइनस दो करेंगे तो एल, तो इसमें भी बी में आएगा, तो दोस्तों ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा छह डिलीवरी बॉय एक्स वाई जेड वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक स्टॉक रूम में अपने अपने सामान के लिए एक पंक्ति में एक 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 सामान के लिए एक पंक्ति में एक के बाद एक करके खड़े हैं, यानी दोस्तों कोई पंक्ति में एक के बाद एक करके खड़े हैं, डब्लू यानी दोस्तों सबको हम उत्तर की ओर मुंह करके बना देते हैं, कितने लोग हैं छः लोग हैं, तो आपके ये एक सिंपल सी ये याद रखिएगा दोस्तों, ये बाएँ होता है और ये दाएं होता है, ये बाएं होता है, तो सिंपल सी बात है जेड डब्ल्यू के बाएं ठीक बगल में खड़ा है। अब दोस्तों हमें ठीक पता नहीं है लेकिन जेड डब्ल्यू के बाएं ठीक बगल में खड़ा था और पंक्ति के दोनों छोरों पर जेड और वाई खड़े हैं। अब न्याय दे रखा है दोस्तों पंक्ति के दोनों छोरों पर जेड और वाई खड़े हैं और जेड जो डब्ल्यू के ठीक बाएँ खड़ा था, तो जेड को यहाँ रख दो दोस्तों और डब्ल्यू को यहाँ रख दो, ये ठीक बाएँ भी हो गए और Y पंक्ति के दोनों तरफ Z और Y, W Z और V के बीच में W Z और V के बीच में, तो V दोस्तों यहाँ जाएगा। अब दोस्तों है बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए U X के ठीक यानी U जो है वो X के ठीक बाएँ ठीक बगल में है, यानी कि U की बात कर रहा है वो X के ठीक बाएँ बगल में है, यानी तो x के ठीक बगल में यानी x को यहाँ रख देंगे तो दोस्तों u यहाँ आ जाएगा, तो y x के ठीक और y x के ठीक दाएं बगल में है, ये भी ठीक है दोस्तों, तो अब देखिएगा दोस्तों तो सामान डिलीवरी बॉय के दाएं ओर से चौथा स्थान कौन सा होगा, आप देखिए दोस्तों इसको थोड़ा ये यहाँ यू आ जाएगा, तो ये मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा, ये मिटा दिया और ये, तो इनमें से हम निम्न में से कौन सा डिलीवरी बॉय बाएं दाएं में से चौथे स्थान पे है, तो दोस्तों इसमें चौथे स्थान पे तो कोई सारा है, निम्न कौन सा डिलीवरी बॉय बाएं दाएं ओर से चौथे स्थान पे है, लेकिन इसमें बता नहीं रहा कि किसके बाएं दाएं चौथे स्थान पे, ऑप्शन एक बार वापस करते हैं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत होती है करने में, एक बार वापस करते हैं इसको, यहाँ पे दे रहा है पंक्ति के दोनों छोरों पर जेड और वाई खड़े हैं, तो ये दोस्तों एक पंक्ति बना दी, यहाँ पे छः लोग बैठा दिए, एक दो तीन चार पाँच और एक ही छः, तो दोस्तों इस बार वाई को इस तरफ ले लेते हैं और जेड को इस तरफ ले लेते हैं, लेकिन ठीक बगल में जेड डब्ल्यू के ठीक बाई ओर खड़ा है ऐसे बताया जा रहा है दोस्तों, जेड डब्ल्यू के ठीक
बाएं ठीक बगल में है, लेकिन दोस्तों बाएं अगर इस तरफ लम जेड को लेंगे तो डब्ल्यू के दाएं आ जाएगा, तो दोस्तों तो आएगा तो इस तरफ ही, यानी कि थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे दोस्तों जेड को बनाते हैं और इसके तुरंत बाएं ये डब्ल्यू हो गया। अब पंक्ति के दोनों छोरों पर डब्ल्यू और वाई खड़े हैं, यानी कि एक दो तीन और ये वाई आ जाएगा। अब बोलता है दोस्तों डब्ल्यू जेड और वी के बीच में है, तो ये दोस्तों वी आएगा, यहाँ पे वी आएगा, ठीक है। अब आगे बात की जाए दोस्तों यू एक्स के, यू की बात कर रहा है, यू एक्स के ठीक बाएं खड़ा है, यानी कि ये यू यहाँ आएगा तो एक्स यहाँ आ जाएगा, और वाई एक्स के ठीक दाएं ओर खड़ा है, ये बात है। अब बताएं निम्न में से कौन सा डिलीवरी बॉय दाएं ओर से चौथे स्थान पे है, तो दाएं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वी है, ठीक है दोस्तों, वी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, इसमें दे रखा है दो से तीन हो रहा है, तीन से दस हो रहा है, दस से उनतालीस हो रहा है, उनतालीस से दोस्तों एक सौ बहत्तर हो रहा है, और एक सौ बहत्तर से आगे, यानी कि ये श्रृंखला बड़ी होती जा रही है, तो हम दो सिंपल से बात रखे थे कि दो एकम दो प्लस एक कर देंगे तो तीन हो गए दोस्तों ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं तीन तीन नौ, तीन तीन नौ वर प्लस एक हो जाएगा, तो ये हो गए दोस्तों दस, यानी पहले दो से गुणा करें फिर तीन से गुणा किया, लेकिन अब चार से गुणा करेंगे तो दोस्तों ये ज़्यादा हो जाएगा उनतालीस से भी। तो दोस्तों हम देखते हैं इसको तेरह तिया उनतालीस और यहाँ पे हो जाएगा पाँच दूनी दस और यहाँ पे हो जाएगा, दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ समझ नहीं खा रहा, आगे देखते हैं, और इसमें भी आंसर पता नहीं क्या माना गया, आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो कागज़ की सीट है ये देखिएगा दो यहाँ पे आ रहे, तो दो जैसे इधर आ रहे हैं ना, तो वैसे के वैसे दोस्तों ये इस तरफ हो जाएंगे और वैसे के वैसे ये इस तरफ हो जाएंगे और वैसे के वैसे ये इस तरफ हो जाएंगे, ऐसी वाली शेप बनेगी, तो ऐसी वाली शेप किस में है वो देख लीजिए, आपका आंसर वो हो जाएगा दोस्तों, ये वो ऐसी शेप, तो एक दो में लग रही है, देखिएगा जैसे कि ये देखिएगा दोस्तों चारों कोनों पे चार हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि एक इधर आएगा, एक इस कोने पर होएगा, एक इस कोने पर होएगा, और ये बीच में आ रहे हैं तो ये बीच में इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, यानी दोस्तों इस वाली शेप में ये करेक्ट दिख रहा है। आगे देखिए एक अक्षर समूह के दिए, एक अक्षर समूह में दिए गए तीन किसी न किसी तरीके संगत है, जिन जबकि उनमें से कोई एक असंगत है, तो बताइए तीन तो किसी न किसी तरीके संगत है जबकि एक असंगत है, तो असंगत को बताना, तो असंगत का समूह चयन करना, तो देखिएगा दोस्तों एम से जे और जे से क्यू, यानी एम माइनस तीन और एम प्लस चार, ऐसे आ रहा है दोस्तों, यानी कि एक एम जे एंड क्यू, एम से माइनस तीन किया और एम से प्लस चार किया, वैसे देखिए दोस्तों ई से माइनस तीन दो और ई में प्लस चार किया तो आई, जी से माइनस तीन किया तो डी और डी में प्लस चार किया तो के, तो लेकिन दोस्तों देखें आर माइनस चार, तो ये दोस्तों ये नहीं होगा। आगे देखिएगा दोस्तों टी से यू, यू से वी, वी डब्ल्यू एक्स और वाई, वाई से हमारा आंसर, अब देख लिए दोस्तों वाई से आंसर होगा स्टार्ट, तो इसमें भी आशी नहीं है, वाई सब में है। आगे देखिए ओ से क्यू, क्यू से एस, एस से यू, यू से डब्लू, डब्लू से फिर दोस्तों एक्स नहीं आएगा, वाई, वाई वाई आंसर आएगा, तो डी से जी यानी प्लस तीन, फिर तीन प्लस करिए जे, फिर प्लस तीन करेंगे एम और एस, दोस्तों ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों चार किसी न कि चार संख्याएं त्रिक दिए गए हैं जिनमें तीन किसी विशेष नियम के अनुसार संगत है जबकि कोई एक असंगत, तो असंगत को बताना है, तो असंगत को बताना है। देखिए दोस्तों तेरह, तेरह दोनों छब्बीस और तेरह का स्क्वायर होता है दोस्तों
169, 15 दून 30 और 15 का स्क्वायर 225, 12 दून 54 और ये दोस्तों ये, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं आ रहा। एक कंपनी में कर्मचारी की औसत आयु 45 वर्ष है। अब देख आगे दे रखा है किसी कंपनी के कर्मचारी की औसत आयु 45 वर्ष है, यानी दोस्तों औसत आयु की बात की जाती है तो वो 45 वर्ष है। 38, 45 और 49 वर्ष की आयु वाले तीन कर्मचारी इस्तीफा देते हैं, यानी दोस्तों 38, 45 तो जोड़ दो इनको फटाफट दोस्तों, 38, 45 यानी 13 और ये 83 और 83 और 49 और दोस्तों 49, 12 को दुख को 8, 4, 12, 1, 13 यानी 132। और बोल रहा है कि इस्तीफा देते इसमें 42, 46 और 44 आयु वाले तीन कर्मचारी कंपनी में शामिल होते, तो अब कर्मचारी का औसत आयु होगी तो दोस्तों 45 है, इसमें से ये इस्तीफा देते हैं, ये नहीं आते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से सिंपल सा हम काट सकते हैं इसको, देखिए 42 में से 4 जाए, 42 में 38 जाएगा, 4 बचेगा, यानी कि सिंपल सा हम यहाँ से भी इसको काट सकते हैं। ये तो दोस्तों ये इसको ऐसे रखिए 45 औसत है, 42 में से 38 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों 46 में से 45 जाएगा, फिर 1 बच गया। और देखिए दोस्तों 49 में से बराबर माइनस करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें माइनस करना पड़ेगा, 49 में से 44 गए तो 5, यानी कि 5 में से 5 गए तो दोस्तों ये 45 औसत आ जाएगी। यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुणा है और सी का अर्थ घटाना और डी का अर्थ भाग है तो निम्न व्यंजक को कमान ज्ञात कीजिए। डी का अर्थ दे रखा है दोस्तों हमें 72/6 और बी का अर्थ दे रखा है दोस्तों गुणा 12 और ए का अर्थ दे रखा है दोस्तों 24 और सी का अर्थ दे रखा है दोस्तों घटाना यानी कि 18, फिर सी का अर्थ दे रखा है दोस्तों माइनस 20 × 5 और प्लस 48। तो दोस्तों ये इसमें हो जाएगा, इसमें दो आंसर आएंगे, ये भी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें देखें उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति अंतर्निहित हो, रोटेशन की अनुमति है नहीं दोस्तों, और ये जो आकृति है ये वाली आकृति ऐसे करके ऐसे है और फिर ऐसे करके ऐसे, ये वाली आकृति हमें बतानी है, रोटेशन की अनुमति है नहीं बिल्कुल भी, तो ये वाली आकृति किस में अंतर्निहित है। तो ये देखिएगा दोस्तों, ये देखिए इधर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए दोस्तों इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया और ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, तो ये ऐसे कैसे चैम्बर 4 में आकृति नियत है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा दोस्तों, दर्पण बनाने तो एल एल ऐसे बन जाएगा। अब दोस्तों हमें इस वाले में स्मार्ट अप्रोच रखनी पड़ती है दोस्तों, और ये क्वेश्चन को अगर आप पीछे से स्टार्ट करोगे तो जल्दी आंसर आ जाता है। देखिए दोस्तों ये पी इस तरह से है तो दर्पण में दोस्तों ये पी इस तरह से बन जाएगा, और इसमें मान लो तो दो आंसर मिल रहे हैं आपको, एक ये और एक ये। अब देखिए ओ तो ऐसे कैसे रहेगा और यहाँ पे एल भी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे वाई को देखिए दोस्तों, वाई यहाँ पे भी आ रहा है, उसके बाद देखिए दोस्तों एन, तो यहाँ पे एम आ गया और यहाँ पे एन आया, तो दोस्तों ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी दोस्तों इस वाली जगह आकृति बतानी है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे भरा है नीचे नीचला, लेकिन ये वाला स्थान यहाँ प्रतिस्थापित हो गया और एक छोड़ के ऊपर भर दिया, और ये वाला यहाँ स्थापित हो गया। अब तो दोस्तों ये वाला यहाँ हो गया ना, तो उसके बाद में ये इधर चला गया, तो दोस्तों इसमें दे दिया, फिर ऊपर एक छोड़ दिया, फिर इसने दो अंक छोड़ दिया, नीचे आ गया। लेकिन दोस्तों अब जो आंसर आएगा वो सबसे नीचे नीचे आ जाएगा, क्योंकि इधर प्रतिस्थापित हो जाएगा और नीचे वाले में, और नीचे डार्क भी आएगा, और नीचे एक ही आ रहा है डार्क के साथ में, और वो है ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिएगा दोस्तों उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित जैसे दूसरे पद से पहले संबंधित। अब देखिए दोस्तों बी से वाई, यू से
यानी दोस्तों ये जहाँ तक जाता है हमें देख रहे हैं अपोजिट, तो एम का अपोजिट एन का अपोजिट एम होता है और एम एक ही है दोनों के। और लास्ट और फाइनल क्वेश्चन हमारा दोस्तों 25 वाला, देखिएगा दोस्तों चिराग, फिरोज, हीरा, जोया और लोहित एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठते हैं। इन दोस्तों पांच व्यक्ति है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठते हैं। लोहित चिराग के बाएं और ठीक बगल में बैठते हैं, यानी बाएं ठीक बगल में बैठते हैं, तो इस तरह बैठेगी। लेकिन अभी कोई चिराग जोया के बाएं और ठीक बगल में बैठा है, लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा बैठी है। अब बैठा लेते हैं दोस्तों, तो चिराग अब यहाँ पे दे रखा है, चिराग जोया के बाएं और ठीक बगल में बैठता है, यानी दोस्तों चिराग है और जोया के ठीक और फिरोज के दाएं और ठीक बगल में लोहित बैठता है। आगे दे रखा है दोस्तों, लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा बैठती है, यानी कि आगे बात कर रखी है कि लोहित फिरोज के दाएं और ठीक बगल में बैठते हैं, यानी कि लोहित को यहाँ रख देते हैं और दोस्तों लोहित और चिराग के बीच में हीरा बैठती हैं, बीच में केवल हीरा बैठती हैं, तो ये यहाँ नहीं आएगा दोस्तों। अब ये पांच व्यक्ति रखो, यानी 1, 2, 3, 4 और 5। आगे बढ़ता है, लोहित फिरोज के दाएं और ठीक बगल में, यानी लोहित की बात कर रहा है तो फिरोज के दाएं ठीक बगल में। आगे देखते हैं, आगे एक और बात इसने स्मार्ट की है, चिराग जोया के बाएं और ठीक बगल में है, यानी चिराग को बैठाओ सबसे पहले, बाएं और ठीक बगल में है, तो दोस्तों ये बायां इधर आएगा, यानी दोस्तों बायां इस तरफ आएगा और दायां इस तरफ आएगा, तो चिराग, तो सबसे पहले दोस्तों चिराग को बैठाती है बाईं ओर जोया की, यानी दोस्तों यहाँ पे हमने जोया बैठा दी, तो दोस्तों यहाँ पे बैठा सकते हैं हम चिराग को, और इन दोनों के बीच में दोस्तों ये हीरा आ गई, और दोस्तों ये आ जाएगा फिर लोहित आ जाएगा, और उसके बाद में दोस्तों ये फिरोज आ जाएगा, तो फिरोज के दाईं ओर भी हो गया। तो अब बताना है कि फिरोज के दाईं, यानी फिरोज के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है, तो फिरोज के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा चिराग है दोस्तों, सही है। तो दोस्तों हमने आज 25 क्वेश्चन करे, और दोस्तों कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 27 मिनट का समय लगाया, और दोस्तों हम इसको और भी फास्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचा दीजिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।